क्या फीलिंग है निकोन, इधर से देख। वेरी लवली गुड मॉर्निंग गाइस, सैटरडे हो रखा है और इस वीक का आखिरी दिन है और आज सैटरडे के दिन पे एक छोटा सा काम है, उसके लिए मैं जाऊंगा आजारा। यहाँ पे एक जगह है आजारा, तो वहाँ मैं जाऊंगा और वहाँ से कुछ ख़रीदारी करनी है। एक्चुअली मैं जाऊंगा दी कैथलोन के अंदर, तो मैं मिकॉन सोच रहे हैं कि वहाँ पर जाएँ। और मेरे को वहाँ से एक्चुअली लेना है एक स्लीपिंग बैग, तो स्लीपिंग बैग वहाँ पे काफ़ी क्वालिटी के मिल जाते हैं, काफ़ी प्राइजेज में मिल जाते हैं, तो मेरा जो प्राइस है वो मेरे को जैसी क्वालिटी चाहिए, तो उसमें वो सोच रहा हूँ कि वहाँ पे शायद मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं करने वाला हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ये जो हल्की हल्की दाढ़ी है इसको ट्रिम करूँगा, और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे दी कैथलोन की तरफ। तो फटाक से ये पहले ट्रिम कर लेता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और निकलता हूँ। मेरी दाढ़ी जो है ना इतनी नहीं आती है, मेरी दाढ़ी आती तो है, मतलब ये एक्स्ट्रा बाल जो है ये फालतू के ये यहाँ पे आ जाते हैं, तो पसंद नहीं है मेरे को, एक अलग ही बेकार सा बकवास सा लगता है, तो इसको हटा देता हूँ मैं। तो अभी हो गया है ये सब और अभी मस्त लग रहा है ना। हेलो भाई, ब्रेकफास्ट भी आ गया है, सिंपल सा मेरा ये ब्रेकफास्ट है, इसमें पराठे हैं, थोड़े फ्राइड राइस हैं और चाय है। ये कॉम्बिनेशन है, कैसा कॉम्बिनेशन है ये मेरे को भी नहीं पता, बस कॉम्बिनेशन है, इसको खाया जाएगा। कभी ये पराठा और ये चावल और चाय का कॉम्बिनेशन खा के देखा है क्या? अगर नहीं खा के देखा, एक बार ट्राई करके देखो, एक अलग ही टेस्ट मिलता है खाने के बाद। मम्मी पराठे के बीच में ऐसे चावल भर के चावल वाला पराठा बना के दे देती थी, अब लेकिन अभी मैंने नया निकाला है, अलग से पराठा बना के उसके साथ ये चावल नहीं ऐसे सब्जी के तौर पे खा रहा हूँ। मज़ा आ रहा है क्योंकि ये नमकीन फ्राइड राइस है और ये पराठा है सिंपल सा, इसके साथ खाने में अच्छा ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। ब्रेकफास्ट करके तो हो गया, ब्रेकफास्ट चंगा सी, आकाश के पास चलते हैं। चले हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल? बहुत दिनों के बाद पीजी में फिर से, थोड़ा ही दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, लेकिन मज़ा तो आ रहा है। ये हम लोग का गुरु, मतलब गुरु ही बोल सकते हैं, द हिटलर अंकल ब्लॉक। अबे देख भाई, तब से मैं बोल रहा हूँ तू रेडी हो जा, तू रेडी नहीं हुआ है। और ठंडा कर रहा है कि चल 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 चला, चल रहा हूँ, बड़ा व्लॉग शूट करने दे, व्लॉग शूट करने नहीं दे रहा है। करना चाहिए था, क्या करना चाहिए, पहले करना चाहिए था, अभी थोड़ी ना ऐसा होता है। मैं तैयार होके बैठा हुआ हूँ, कब खुद रेडी नहीं है। बोला है पहले व्लॉग शूट करना चाहिए, ऐसा होता है क्या? जब जा रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तभी तो शूट करना चाहिए ना। वही तो ये, बता भाई वही तो, क्यों पहले से अगर तुम व्लॉग शूट नहीं करेगा तो कैसे होगा? कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे ए बोल रहे, ये रेडी हो गया है, लाइट जलाओ तो, ये रेडी हुआ है। अब मुंह तो हो रहा है, मुंह मैंने पहले ही लगा लिया। हेलो, तो देखिए इस अजीब प्राणी को, ये अभी 12 बजे उठे, मेरा ब्लॉग बन रहा है, मेरा रोस्टिंग नहीं कर रहा है, अभी पता क्या बजे है। देखिए सब लोग टाइम देख लीजिए, रोस्टिंग कर रहे हैं, अजीब प्राणी अभी उठा है, सबको धोखा देंगे कि अभी नहीं उठा, मैं बहुत पहले उठ गया, ये सबसे पहले मैं उठ गया। कोशिश अच्छा था लेकिन हकीकत सबको पता है। अब बताओ किसका रोस्ट हो रहा है, मैं गलत था कि कौन गलत था? गलत ये बंदा है, ठीक है। अब इसको रेडी होने में लगा है 10 मिनट और आप देख ले रहा, मेरे को लगेगा 2 मिनट। सही बात है ना, कौन जल्दी रेडी हो? एकदम 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 एकदम। देखिए कैसे रेडी होने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं, सब ऐसा करेगा 2 मिनट में। रेडी होने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसा करेगा तो 2 मिनट में रेडी। सही है भैया, तो रेडी हो लेता हूँ और निकलते हैं। हमारा जो ऊपर आपको जो ब्लॉग में दिखाई होगा, अच्छा ऊपर का
केंडी वाला है, ताजी भिंडी, ताजी ताजी, यार एकदम ताजा, ताजी ताजी, ये नहीं, थोड़ा फ्रेश। ये अभिषेक भाई अभी तक, अब तो खाया नहीं होगा अभी तक? अभी तक नहीं खाया। हाँ, फल लिया, मेहनत तो किया था भाई, इसका फल मिल गया अभी। अच्छा है लेकिन मेरे को क्वालिटी अच्छा है। तो भैया आज क्या है ना, हमने थोड़ा सा अपने हेलमेट के अंदर या बोल रहे हेलमेट के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट किया है, कुछ एक नए भाई साहब को जोड़ा है। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है जो कि आज हमने अपने हेलमेट के ऊपर किया है। तो नए भाई साहब से अगर आप मिलना चाहते हो तो एक झलक देख लो, ये रही। तो देख ही लिया आप लोगों ने कि वो नए भाई साहब को हमने अपने हेलमेट के ऊपर फिट किया है। थोड़ा आप लोगों को 360 व्यू देने का आज हमने विचार किया है जो कि हम आपको देने वाले हैं। तो के लिए मैं और मिकोन निकल चुके हैं। मिकोन को आप देख लीजिए ऊपर वाले 360 कैमरे से देख लीजिए, पीछे बैठा हुआ है मेरे कितने मजे से पीछे बैठा हुआ है। इसको कुछ आता पता ही नहीं है कि ऊपर जो ये भाई साहब लगे हुए हैं इससे इनको रिकॉर्ड हम कर रहे हैं और इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब इन भाई साहब को हमने सुबह उठाया, शायद ब्रेकफास्ट भी हमने इनको करने नहीं दिया और चाय पिला के बस अभी डिकैथलॉन की तरफ हम निकल चुके हैं इनको लेके। हमारी सुबह जो है ना आज थोड़ी जल्दी हुई है 12 बजे के बाद। तो ये भाई साहब को हमने पीछे बैठाया हुआ है, बिल्कुल ही अच्छे बच्चे की तरह बैठे हुए हैं पीछे डिकैथलॉन की तरफ हम जा रहे हैं। वहाँ से एक स्लीपिंग बैग खरीदना है हमें, तो मंगाने को ऑनलाइन मंगा सकता था लेकिन ऑनलाइन डिकैथलॉन से मंगाने में टाइम काफ़ी ले रहा था और होम डिलीवरी में इतने प्रोडक्ट शो भी नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ जाके ही हम और प्रोडक्ट्स भी देख लेंगे और अपना जो ये स्लीपिंग बैग है वो भी ले लेंगे। तो दोस्त लोगों, मिकोन को काफ़ी देख लिया आपने, आप जरा थोड़ा 360 व्यू का आनंद लीजिए। हम जा कैसे रहे हैं थोड़ा उसके थोड़ा सा शॉट्स देख लीजिए। तो स्टार्ट करता हूँ। के 11 मिनट हो गए, आधे घंटे से फ़ोन करना उठा नहीं रहे, फिर से ट्राई कर रहा हूँ। क्या करूँ, ये ले लो, अच्छी लग रही है। अभी मैं और मिकोन तो आ गए हैं यहाँ पे, लॉट्स ऑफ वैरायटी है स्लीपिंग बैग्स की, तो अभी वही पता कर रहे हैं कि उनको कितने टेम्परेचर वाला चाहिए तकरीबन वाला। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्परेचर वाले स्लीपिंग बैग अवेलेबल है ये सारे। मिकोन कह रहा है राफ्टिंग के लिए बोट लेने को, तू एक काम कर, ये तितली देख रहा है ये ले ले पहन के उड़। मिकोन अगर इसे पहन के उड़ेगा क्या जबरदस्त है क्या चीज़, ये किस काम की है? ये 3 साल के बच्चों के लिए है ये, क्या है? ओह सही, डायरी करने के लिए।
हाँ ले 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 ले, ये मछली के पैर। लौंडे को देखो, खरीदना भेजना नहीं है। लेदर उठाइए कभी हाथ में, हैं? आज पहली बार उठा रहा है, हैं? उठाइए। लेदर उठा के कभी खेला है? कभी चोट खाई है इससे? तब तो पता लगेगा, उसे भी नीचे पटपट करने से थोड़ी ना पता लगेगा। हाँ, तुम्हारे लिए यही सही है, ये वाले, ये इसके लिए यही बोल सही है। लेदर से खेल के देख, फिर पता लगेगा। बस पटपट करते रहो। ओए, तू ये क्रॉसबो ले ले, ठीक है? और लेके घूमता रहे, जैसे ही कोई भी चंदन, राजीव या कोई भी कुछ भी करेगा ना, सीधा इसी से टंकू वगैरह, इसी से उसको शॉट दियो, हेड शॉट दियो, ठीक है? ऐसे निकालियो यहाँ से, यूँ टूंग देसी इस पे लगाइयो और सीधा माथे में मारियो, पा ये ना, ये घुसेगा, ऐसा फीलिंग ऐसी आएगी। स्लीपिंग बैग अभी कंफर्म हो ही नहीं पाया, कौन से टेम्परेचर का चाहिए वो पता नहीं लग पा रहा है, तो थोड़ी सी बस टाइम पास तो करना ही है, तो कैसे करेंगे, तो ऐसी का सीधा करके टाइम पास कर रहे हैं। है लेकिन काफ़ी बड़ा, चीज़ें काफ़ी हैं यहाँ देखने के लिए, खरीदने लगोगे तो काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी भाई। ये देख लो, चलो भाई ये मिल गया हमारे, हमारा सामान, पेमेंट वगैरह हो गई, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, घर की ओर रवाना हो जाएंगे। काफ़ी टाइम लगा दिया यार, फटफट से सब कुछ ख़त्म। चलो बाय बाय।